सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो 5 बजे जाने वाले थे, लेकिन मैं उठ भी गया था 5 बजे, लेकिन उसके बाद समझ जाओ तो अभी 6 बज रहे हैं। बट कोई बात नहीं, 1 घंटा ही लेट है, अपन पहुंच जाएंगे जल्दी से उस जगह पे। तो बिना टाइम वेस्ट किया उस जगह पे चलते हैं अपन लोग, ठीक है। सो गाइस 6 बज रहे हैं जैसा मैंने पहले कहा था आपको, एंड जगह आने वाली है वाली, ये रोड है ना जो वो जाती है उस जगह पर। तो बस इस रोड पे चलते हैं हम लोग एंड उस जगह पे जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए व्लॉग में हमारे साथ और चलते हैं। सो जैसा कि गाइज मैंने आपको कल यहाँ से ही लोकेशन बताई थी उस जगह की, तो यहाँ पर तो हम आ गए, अब चलते हैं उस जगह पे। एंड आप आवाज़ सुन सकते हैं पीछे कि बर्ड्स की इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है, मैं उसकी भी क्लिप डाल दूँगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए अपन चलते हैं उधर। सो गाइज ये देख सकते हो आप, मैं आपको दिखाता हूँ अभी 2 मिनट, ये देखो मैं गिर जाता अभी, बच गया, पर कोई बात नहीं। एंड दूर है जगह तो, काफ़ी दूर है अभी, बट कोई बात नहीं, चलते हैं। है पूरा जंगल ही यहाँ से जंगल स्टार्ट हो चुका है, तो चलते हैं देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पे अपन को। तो गाइस देख सकते हो आप व्यू, कुत्ते भौंक रहे हैं पता नहीं क्यों, एंड दूर तो है अभी भी, पर कोई बात नहीं अपन चलते हैं। एंड मैं कैमरा संभाल के चलना पड़ेगा, अभी 2 बार गिरते गिरते बचा हूँ मैं, क्योंकि कोई नहीं। ओ, वही झाड़ियां से वो कह रहे हैं उनको तो एक दूसरा रास्ता मिला है, थोड़ा पास लग रहा है, तो एक बार उसको ट्राई करते हैं, तो ताकि हम थोड़ा जल्दी पहुंच पाए और ढंग से जगह को देख पाए और आपको भी दिखा पाए। काफ़ी हद तक आ गए एंड यहाँ एक बहुत शानदार चीज़ दिखी है हमको, से कि वो जो पेड़ है ना वहाँ पे, उस पर बहुत ही रेयर इंडियन वल्चर है वो। अब उसका लाइक कौन सी प्रजाति है वो नहीं पता, बट वल्चर है ये, उसका घर है लगता है वहाँ पर, वो बैठा हुआ है। अब उसके ज़्यादा पास तो मैं भी नहीं जा सकता, कॉज अगर वो उड़ गया तो फिर मतलब उसको डिस्टर्ब क्यों करना। बट ट्राई करते हैं जितना हो सके उतनी, मैं आपको एक क्लिप दिखा दूंगा उस वल्चर की अगर आ गया वो कैमरे में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के, बिना शोर करे और बिना उसको डिस्टर्ब करे अपन आगे बढ़ते हैं। और बाकी मैं आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ, ये देखो पूरा व्यू। नीचे का दिख रहा है ना व्यू? गाइस अगर आपको समझ में आ रहा हो, यहाँ मेरी आंखों से बहुत अच्छा दिख रहा है ये, बट इससे पास मैं नहीं जाऊंगा इसके कॉज, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। बट ये काफ़ी रेयर एनिमल है एंड हमें दिखा है अभी। गाइस हो रहा हो पेड़ पे, बहुत शांति से बैठा है वो, पर मैं चाहता नहीं उसको डिस्टर्ब करना। बट ये एनिमल बहुत रेयर है, अगर किसी को पता था तो मैं इसे पहले का कमेंट में बताना क्या स्पीशीज़ का है। राजस्थान जगह, हम राजस्थान के अंदर हैं, तो ज़रूर बताना कमेंट में क्या है वो। बट बहुत शानदार लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है, लाइक नेचुरली पहली बार देखे हैं जू में, नेचुरली पहली बार देखा है इसको। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं उस जगह पे, ये पेड़ के पीछे छुपी हुई है। एंड एक चीज़ दिखाता हूँ उसे, देख रहे हो आप यहाँ पे, कुछ टाइम पहले यहाँ पे काफ़ी लाइक पानी वानी हुआ करता था, तो सूखा पड़ा हुआ, गर्मी बहुत पड़ रही है इधर। एंड एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे कटी लकड़ियाँ अगर आपको दिख रही हो, तो यहाँ पहले काफ़ी अच्छा एक जंगल दिखता था दूर से एटलीस्ट, एंड वो शायद लोगों ने काट दिया है, जंगल काट रहे हैं स्पीड में, इसलिए शायद यहाँ पे लेपर्ड्स एंड ऑल का दिखना भी कम हो गया। बट फिलहाल वो हमारे लिए अभी के लिए अच्छी बात है, लेपर्ड नहीं हो वैसे, वरना अच्छी बात नहीं, वाइल्ड लाइफ को हार्म ही होता है अगर हम जंगल वंगल काटते उन लोगों के ऐसे, तो कोई नहीं। ये तो हम एक पॉइंट है जो हम सीख लेते हैं कि हम नहीं करेंगे बड़े हो कैसा, तब हम बड़े ही हैं बट आगे चल के। एंड चलते हैं उसकी तरफ, आपको दिख रहा होगा पास है काफ़ी उसके अपन, तो चलते हैं। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं आ गई वो जगह, एंड धूप बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है, तो चलते हैं एक बार अंदर। देखा इस जगह को, पीछे है फुल जंगल एंड ये रही वो, मतलब अंदर और रास्ता है। डर बहुत लग रहा है जाने में एक बार कि मतलब देखो फुल जंगल के अंदर है जगह, तो उस हिसाब से अगर लेपर्ड हो कोई पीप आके बैठा भी हो अंदर, कोई नहीं देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, चलते हैं अपन अंदर।
यार रास्ता अंदर जाने का। भाई कांटा घुस गया अंदर। कांटा भाई, इस कांटा लग गया वायर में, कोई बात नहीं चलते हैं। जैसा कि आपने देखा सेफली पहुंच चुके रास्ते में, वो कांटा भी लग गया पैर में और कोई बात नहीं। एंड अब हम सेफली पहुंच गए इस चीज़ पे। एंड नीचे भी एक रास्ता है बट गेट है उसमें, पता नहीं बहुत पुराने बंद सा है, पता नहीं क्या है उसमें, नहीं जाएंगे, छुएंगे भी नहीं उसको कि नहीं करनी चाहिए। एंड ये देखो, अगर दिख रहा हो तो आपको सिटी पूरी दिख रही है यहाँ से, ऑलमोस्ट सिटी दिख रही है यहाँ से पूरी, फॉग के अंदर कवर्ड है। एंड पीछे जंगल, एक और जगह दिख रही है मेरे को यहाँ से उस पहाड़ पे एकदम, अगर मैं क्लिप डाल दूंगा जूम करके, बट आई डोंट थिंक सो जाना चाहिए, बिकॉज आपको मैं दिखाता हूँ कि रास्ता है ही नहीं। देखो पूरा कांटा है, पूरे जंगल है, एंड बहुत ज़्यादा ही रिस्की हो जाएगा वहाँ तक जाना तो, बट मज़ा बहुत है। और यहाँ ये पड़ी है किंग फिशर की बॉटल पड़ी हुई है, कोई आया होगा हमसे पहले भी शायद, और कोई बात नहीं, जगह ठीक लगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट टाइम आपको किस तरह का वीडियो देखना है, तो मैं उस जगह पे भी जाऊंगा। तो गाइस जगह काफ़ी अच्छी है, और ये आए हैं, ये दारू की बॉटल लेकर आए, इनको ये ऐसी चीज़ें हर जगह मिल जाती है, खाली पड़ी हुई है बॉटल तो, बट सही है, अगर ये दारूड़िया आते हैं तो लेपर्ड को नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, गुड थिंग। गाइस चलते हैं अब इस जगह से, एंड व्लॉग अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि नीचे उतरेंगे वापस जाएंगे तो पूरा व्लॉग बनेगा। गाइस हो चुका है पूरा, एंड ये रही जगह पीछे जंगल, तो चलते हैं वापस घर की तरफ अपन लोग। सो गाइस नीचे तो आ चुके हैं, एंड आए तो उस रास्ते से थे, वो कह रहे हैं उनको भी दूसरा रास्ता मिला है, तो अब उससे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं उस रास्ते से क्या है। वहाँ से ऐसे भी जंगली भैंसों का ग्रुप आ रहा है तो उनसे थोड़ा दूर ही रहते हैं तो ठीक रहेगा। सो गाइस अगर आप सुन सकते हैं बैकग्राउंड में बहुत अच्छी बर्ड्स की आवाज़ है, मैं क्लिप डाल देता हूँ एक्चुअली रिकॉर्ड करके, आपको तो उससे ज़्यादा अच्छे सुनाई देगा। एंड ये पेड़ देखो, बचपन में वो भूत वाले पेड़ जो कहते थे, ये रहे यहाँ बहुत सारे हैं इधर। ऑलमोस्ट आ गए, एंड वो घर भी दिखने लग रहे हैं अब तो। सो बस पहुंचने वाले हैं अब अपन, व्लॉग अंतिम पड़ाव पे अपने एंड होने वाला है। इनफैक्ट अच्छी थी जगह, आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको जगह कैसी लगी है वाली। बहुत धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है मेरे को, बिकॉज अब भी जंगल में हमें रास्ते का पता नहीं चल रहा है कहाँ कहाँ रास्ता जा रहा है, चलते हैं कोई नहीं देखते हैं। तो गाइज सही सलामत आ गए हैं बाहर, बिकॉज घर दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। सो आ चुके हैं बाहर सही सलामत, जगह देख के अपन, मेरे लग रहा था हम घूम गए अंदर जंगल में बट नहीं होपफुली। एंड ये कुछ सूखा हुआ पता नहीं क्या है, मतलब अंदर घुस रहे हैं पैर इसके, ओह शिट जल्दी निकलना पड़ेगा, उससे निकल गए। एंड आ गई रोड, तो कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। होपफुली घर आ चुके हैं, वो देख रहे हो आप, तो बाहर इन शॉर्ट हम पहुँच गए हम जंगल के बाहर सेफली, बिकॉज सिटी स्टार्ट हो गई, मतलब हमारा रेजिडेंशियल एरिया स्टार्ट हो गया है। चलते हैं घर पे अब बिना किसी टाइम वेस्ट के, बस धूप बहुत पड़ रही है एंड बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अब। गाइस आ गए हैं घर पे, एंड रास्ते में हमने एक माजा की बॉटल और चिप्स ले लिए थे, बहुत भूख बहुत लग रही थी। एंड आ गए हैं और ये खुश हो रहे हैं हमको देख के, पिल्लू मेरे को ही देख के घुर्रा रहा है, एंड अब आके भूख चिल्लाने लग गया मेरे पास। खुश हो रहे हैं, ये आज बहुत बदमाश है। चलो गाइस जिसने वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, और जिसने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर देना।